सब लोगों के लिए एस्थेटिक्स के डेफिनेशन सेम है, विच इज टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स इन अ वे दैट इट बिकम्स आई प्लीजिंग। लेकिन हम सब उसको अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप एक एथलीट जैसी फिजिक बना सकते हो। सबसे पहले तो हमें एक एक्स फ्रेम क्रिएट करना होगा। लेकिन एक्स फ्रेम होता क्या है? आपने सुपर हीरोज के कॉस्ट्यूम्स देखे होंगे, मार्वल के या डीसी के। उन सब में आपने एक चीज नोटिस की होगी तो आपको पता होगा कि उनके शोल्डर्स वाइड होते हैं एंड वेस्ट स्मॉल होती है। वो एक मैस्कुलिन लुक रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से बंदा ऑटोमेटिकली स्ट्रांग लगने लगता है। वेस्ट को आप टेक्निकली नैरो नहीं बना सकते, लेकिन अगर आप जो एक्सेस बॉडी फैट होता है अपने स्टमक के अराउंड, उसको अगर रिड्यूस कर दोगे तो फिर आपकी वेस्ट स्मॉल दिखने लगेगी। उस एक्सेस फैट की वजह से आपकी वेस्ट बॉडी दिखती है, जो दिखने में अच्छा नहीं लगता। वेट लॉस कैसे करते हैं वो मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। वी शेप के लिए दो मेन मसल ग्रुप है, पहला है शोल्डर एंड दूसरे है लैट्स। अगर आपके ये दो मसल अच्छे से डेवलप्ड है तो फिर आप ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लगोगे। शोल्डर्स के दो बहुत अच्छे एक्सरसाइजेस है, उसमें से पहली है स्टैंडिंग ओवर हेड प्रेस। इस एक्सरसाइज के आपको 4 सेट्स लगाने हैं एंड 10-15 रैप रेंज के अंदर आपको फेलियर तक पहुंचना है। दूसरी शोल्डर की एक्सरसाइज है लैटर रेजेस, जिनके आपको 3 सेट्स लगाने हैं एंड 10-15 रैप रेंज के अंदर आपको फेलियर तक पहुंच जाना है। तीनों सेट में आपको ड्रॉप सेट्स परफॉर्म करना है। ड्रॉप सेट इसलिए क्योंकि शोल्डर में मेनली ऐसा होता है कि सेट लगाने के बाद भी आपके शोल्डर के अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो वापस से एक सेट लगा पाए, लेकिन कम वेट्स में। एंड हमें वही करना है ताकि आपके शोल्डर्स ज्यादा से ज्यादा डैमेज हो पाए एंड फिर वो रिकवर होंगे एंड वो बड़े हो जाएंगे। लैट्स के लिए मेरी दो सबसे फेवरेट एक्सरसाइजेस हैं। एक तो लैट पुल डाउन्स। अगर आप जिम में बिगिनर हो तो फिर मे बी आप जब लैट पुल डाउन्स कर रहे होंगे तब आपको अपने लैट्स या तो फिर अपनी बैक फील नहीं होगी, तो फिर उसके लिए आप ये ग्रिप ट्राई कर सकते हो। एंड ये ग्रिप करने के बाद भी अगर आपको अपनी बैक फील ना हो तो फिर नॉर्मल ग्रिप पे चले जाना एंड अपने हाथों के बीच में गैप कम रखना। वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन्स करने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में। आप पहले माइंड मसल कनेक्शन अच्छे से बना लो एंड फिर आप वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन्स कर सकते हो जब आपको अपनी बैक फील होने लगे अच्छे से। दूसरी एक्सरसाइज है टी बार रोज। हर बैक वर्कआउट में एक हॉरिजॉन्टल एंड एक वर्टिकल एक्सरसाइज होना जरूरी है। एंड अगर आपको हर बैक वर्कआउट में एक हॉरिजॉन्टल एंड एक वर्टिकल एक्सरसाइज नहीं रखनी है एंड अगर आप पुश पुल लेग वर्कआउट रूटीन फॉलो कर रहे हो तो फिर आप एक वर्कआउट सेशन में दोनों हॉरिजॉन्टल एक्सरसाइज कर सकते हो एंड फिर दूसरे पुल वर्कआउट में आप दोनों वर्टिकल एक्सरसाइजेस कर सकते हो। बॉडी बिल्डर्स एंड एथलीट्स की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनको उनके साइज की जल्दी पैंट्स नहीं मिलती। वो इसलिए क्योंकि टेलर जब पैंट्स को सीता है तो फिर वो नॉर्मल लोगों के लिए होती है एंड जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं उनके कॉर्ड्स नॉर्मल लोगों से बड़े होते हैं, सो उनको हमेशा ऊपर से पैंट टाइट होने लगती है, जिनके बारे में हम कभी कंप्लेन नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि बड़े कॉर्ड्स होना जरूरी है एक्स फ्रेम के लिए। वी फ्रेम इज ऑल राइट, लेकिन एक्स फ्रेम लेजेंडरी है। अगर आपको अच्छी बॉडी चाहिए तो फिर लेग्स आर मैंडेटरी, वो ऑप्शन नहीं है। 2023 की मेरी सबसे फेवरेट कॉर्ड एक्सरसाइजेस है वॉकिंग लंजेस। आपको इसमें ज्यादा वेट्स उठाने की जरूरत नहीं है, आप बस उतना वेट उठाना जिससे आपको अपने कॉर्ड्स एंड अपने ग्लूट्स अच्छे से फील हो। दूसरी एक्सरसाइज है हैक स्क्वाट्स। इसमें आप हैवी वेट्स उठा सकते हो एंड 8-10 रैप रेंज के बीच में फेलियर तक आ सकते हो। बस ध्यान रखना कि अपने वेट्स को डायरेक्टली इंक्रीज मत कर देना क्योंकि आपके नीज इंजर्ड हो सकते हैं। अगर आपको अच्छी फिजिक चाहे तो फिर मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको अच्छी जॉलाइन भी चाहिए। यस, जॉलाइन मोस्टली जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन क्या उसका ये मतलब है कि आप कुछ भी कर लो आपकी जॉलाइन अच्छी नहीं होने वाली है? नो, जॉलाइन सिर्फ एक कंपोनेंट है फेशियल फीचर का। फेशियल फीचर्स क्या होते हैं? अगर आपके पास अच्छे फेशियल फीचर्स है तो फिर आप ऑटोमेटिकली अच्छे दिखने लगोगे। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल नोज, बिग आई लैशेज, बिग आईब्राउज, आईज के एंड आईब्रोज के बीच में कितना गैप है एंड जब आप आईब्राउज को रेस्टिंग पोजिशन में रखते हो तब आपकी आईज कैसे दिखती है एक्सेट्रा। ये फेशियल फीचर का वीडियो नहीं है इसलिए मैं उसमें डीप में नहीं जाने वाला, लेकिन हाँ, देयर इज नो परफेक्ट फेस शेप, हेयरलाइन और बॉडी पार्ट्स। आपके पास जो भी है उसको आप हमेशा थोड़ा अच्छा कर सकते हो एंड
अगर आपके अच्छे जेनेटिक्स हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब मैं आपको सबसे अच्छी जॉलाइन एंड नेक की एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर आपको अच्छी जॉलाइन चाहिए तो फिर नेक भी अच्छी होनी जरूरी है, वरना थोड़ा सा अजीब लगेगा। नेक्स्ट की एक मिनट के लिए मैं थोड़ा अजीब लगने वाला हूँ, सो उसके लिए प्रिपेयर रहना। पहली जॉ की एक्सरसाइज में आपको अपना मुंह जितना हो सके उतना बड़ा खोलना है, जिससे जॉ का ये जो पार्ट होता है वो ज्यादा डिफाइंड बनने लगेगा एंड थिकनेस भी आने लगेगी थोड़ी। ये जो मुंह का शेप होता है वो ज्यादा अच्छा लगने लगेगा। जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे होते हो तब आपको ये पार्ट दुखना चाहिए। अगर ये पार्ट नहीं दुख रहा है तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी इंटेंसिटी कम है और आप ज्यादा देर तक नहीं करते। आपको एक मिनट के लिए कॉन्स्टेंटली ये करना है एंड फिर आप 30 सेकेंड का रेस्ट ले सकते हो एंड फिर ये साइकिल 4 बार और रिपीट करनी है। इसको आप कभी भी कर सकते हो दिन में, लाइक सोने से पहले या तो फिर उठने के डायरेक्टली बाद। इसका कोई टाइम नहीं है, आप इसको खाने के बाद भी कर सकते हो, जब भी आपको फ्री टाइम मिले या तो फिर जब आप रील स्क्रॉल कर रहे होते हो तब भी आप करोगे तो भी चलेगा। दूसरी एक्सरसाइज में आपको अपने गाल को जितना हो सके उतना अंदर खींचना है एंड ये एक्सरसाइज वही चीज करती है जो आपको दिख रहा है, आपके गाल को ये अंदर ले जाएगी। जो कि एक और एक्सरसाइज है ये वाली, जिसमें आपको लोअर लिप्स को अपर लिप्स से ज्यादा ऊपर लेके जाना होता है एंड आपका मेन गोल ये होता है कि आपके लोअर लिप्स आपके नोज तक पहुंचना चाहिए, जो कभी नहीं पहुंचने वाले, लेकिन आपको ये ट्राई करना होता है जिससे ये वाले मसल्स डेवलप होते हैं। लेकिन ये एक्सरसाइज मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, क्योंकि इससे मेरा फेस थोड़ा अजीब लगने लग रहा था, इसलिए मैंने भी एक्सरसाइज बंद कर दी थी। सो मैं आपको ये एक्सरसाइज रिकमेंड नहीं करता हूँ, अगर आपको करनी हो तो आप कर सकते हो। गाल को अंदर खींचने वाली एक्सरसाइज भी आप कभी भी कर सकते हो एंड इसमें भी आपको सेम रिपीटेशंस एंड सेट्स परफॉर्म करने हैं। 1 मिनट की एक्सरसाइज एंड 30 सेकेंड का रेस्ट। जॉ एंड नेक की एक्सरसाइज भी बॉडी बिल्डिंग की तरह ही है, आपको इसके रिजल्ट्स 2-3 साल बाद दिखेंगे। जब आप जॉ एंड नेक की एक्सरसाइज करना स्टार्ट करोगे तब आपको ऑब्वियसली आपको वो पार्ट्स दर्द करेंगे, लेकिन वो नेचुरल पेन है। नेक की एक्सरसाइज में आपको अपना मुंह ऊपर एंड नीचे लेके आना है ताकि आपके नेक के मसल्स स्ट्रेन हो सके। आप इसको सिर्फ सीधा मुंह करके मत करना, साइड में भी फेस कर देना एंड फिर राइट साइड एंड लेफ्ट साइड देखना एंड फिर मुंह को ऊपर नीचे करना, ताकि आप पर्टिकुलरली सेंटर के मसल्स भी टारगेट करोगे एंड साइड के मसल्स भी टारगेट करोगे। इन तीनों एक्सरसाइज को आप लिटरली रोज कर सकते हो, संडे को रेस्ट डे लेने की जरूरत भी नहीं है। एक्स फ्रेम एंड जॉ लाइन तभी अच्छी दिखेगी जब आपका बॉडी फैट परसेंटेज लो होगा। लोअर बॉडी फैट परसेंटेज के कई सारे फायदे हैं, जिनमें से दो सबसे बड़े फायदे ये है कि आपके एब्स विजिबल हो जाएंगे एंड आपकी वेन्स दिखने लगेगी। आपके मन में मे बी एक सवाल आ रहा होगा कि मैं ऑलरेडी कार्डियो करता हूँ, जिम जाता हूँ एंड मैं ऑलरेडी बहुत कम फूड इनटेक ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा, सो मुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको गूगल कैलकुलेटर में जाके अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड आउट करनी है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जब आपको गूगल कैलकुलेटर में से अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज मिल जाए, बाद में आपको वो कैलोरीज 2 हफ्तों तक इनटेक करनी है एंड फिर अगर आपका वेट लॉस ना हो, जो ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि वो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि अगर गूगल कैलकुलेटर या तो फिर कोई एप्लीकेशन आपको बताए कि ये आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है एंड ये आपकी डेफिशिट कैलोरीज है। अगर आप मेंटेनेंस कैलोरीज लोगे उस कैलकुलेटर के हिसाब से तो फिर ऐसा जरूरी नहीं होता कि आपका वेट मेंटेन रहेगा, क्योंकि आपकी ट्रू मेंटेनेंस है तो फिर आपकी ट्रू डेफिशिट कैलोरीज किसी को नहीं पता, आपको खुद वो फाइंड आउट करनी होती है। ओके, सो आपको मेंटेनेंस कैलोरीज मिल गए, आपने वो मेंटेनेंस कैलोरीज 2 हफ्तों तक ली एंड आपका वेट लूज नहीं हुआ। सो अब 2 हफ्तों के बाद आप 100 कैलोरीज माइनस करोगे उन मेंटेनेंस कैलोरीज में से। अब वो 100 कैलोरीज माइनस की एंड जो नंबर आया वो नंबर आप 2 हफ्तों तक इनटेक करोगे, फिर आपका अगर वेट लॉस हुआ तो फिर आप 100 कैलोरीज माइनस नहीं करोगे उन 2 वीक के बाद। एंड अगर आपने 100 कैलोरीज माइनस की एंड फिर भी आपका वेट लूज नहीं हुआ तो फिर आपको और 100 कैलोरीज माइनस करनी है। ये सारी चीजें आपको इस तरीके से करनी है कि आपका प्रोटीन इंटेक ना तो घटना चाहिए ना तो मेंटेन रहना चाहिए। आपको ऐसे ट्राई करनी है कि
ये कैलोरी डेफिसिट के पीरियड में आपका प्रोटीन इंटेक बढ़ता रहे या तो फिर कांस्टेंट रहे। प्रोटीन इंटेक को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप कैलोरीज के साथ साथ प्रोटीन इंटेक भी लूज करते जाओगे तो फिर आपके मसल लॉस होने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे, जो हमें नहीं करना। विच मीन्स आपको कार्ब्स एंड फैट्स में से कैलोरीज डिक्रीज करनी है। लेकिन आप ये सारा कैलकुलेशन कैसे करोगे? वेइंग मशीन परचेज करनी है अमेज़न में से, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वेइंग मशीन लेने के बाद आपको हर रोज मॉर्निंग में फ्रेश होने के बाद अपना वेट मेजर करना है। ओके, अब आपको अपना वेट पता चल गया है, आप 2-3 हफ्तों से वेट ट्रैक भी कर रहे हो। ट्रैक मतलब आपको रोज वेट मेजर करके लिखना है किसी बुक में या तो फिर फोन के किसी ऐप में। अब आप अवेयर हो चुके हो कि आपका वेट किस रेंज में फ्लक्चुएट होता है। नेक्स्ट स्टेप है, आपको हेल्दीफाई मी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। हेल्दीफाई मी एप्लीकेशन में आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज, कैलोरी डेफिसिट, कैलोरी सरप्लस, वो सारा कैलकुलेशन वो खुद करके देगी। वो आपको डाइट प्लान बना के नहीं देगी, सो आपको अपना डाइट प्लान खुद बनाना है। जो मुझे पता है कि जो भी ये व्यूअर्स है उनको अपना डाइट प्लान बनाना आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने डाइट में सिंपल चीजें रखनी है, लाइक ओट्स, बनाना, पीनट बटर, मिल्क, अगर आप एग्स खाते हो तो एग्स, चिकन, सोया चंक्स, रोटी, दाल, सब्जी, ये सारी नॉर्मल चीजों से आप एक अच्छा डाइट प्लान बना सकते हो। एंड फिर वे प्रोटीन भी ऐड करोगे तो फिर प्रोटीन गोल भी हिट करने लगोगे आप। अपने लिए अपना पर्सनल डाइट प्लान बनाना इजी है, आपको बस थोड़ा टाइम लगेगा कि आप कैसे एक प्रॉपर डाइट प्लान बना सकते हो एंड उस डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हो। सबको उसका टेस्ट भी पसंद आना चाहिए बेसिकली। एंड डोंट वरी, हेल्दीफाई मी एप्लीकेशन आपको कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर, फैट, ये सारी चीजें कितनी है आपके डाइट में वो भी बता देगी। एंड अगर आपको ये सारी चीजें ना करनी हो तो आप ऑफ कोर्स मेरी वेबसाइट में जाके मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप में पर्सनली मैसेज कर सकते हो एंड मैं आपके लिए एक पर्सनल डाइट प्लान एंड वर्कआउट प्लान तैयार कर सकता हूँ अफोर्डेबल रेट में। हमने मसल्स की, फेशियल फीचर्स की एंड वेट लॉस की बात तो कर ली, लेकिन 4 और चीजें हैं जो आप एज अ साइड हसल कर सकते हो। हेयर कट, क्लीन फेस, बॉडी लैंग्वेज एंड क्लोथ्स, ये चारों चीजें आपको बैकग्राउंड में इम्प्रूव करते रहनी है। क्योंकि अगर मान लो कि आपकी बॉडी बन भी गई लेकिन आप बाहर जाते हो एंड फिर अच्छे से एक्ट, बिहेव, टॉक एंड वॉक नहीं करते हो तो फिर बॉडी का कुछ खास फायदा नहीं होगा। क्लियर फेस होना चाहिए ताकि आप हाइजीनिक लगो एंड हेयर कट अपने फेस शेप के हिसाब से चूज करना। हमेशा ऐसे टी शर्ट पहनने की जरूरत नहीं है जो बहुत टाइट होते हैं बाइसेप्स। मुझे पता है कि उसमें आपके बाइसेप्स अच्छे लगते हैं लेकिन स्टाइल के हिसाब से वैसे टी शर्ट बहुत अजीब लगते हैं। आप मीडियम साइज पहनो जिसमें आप अच्छे भी लगोगे एंड आपके बाइसेप्स भी दिखेंगे। अपना स्टाइल तो आपको ऑब्वियसली खुद ढूंढना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको बैगी पैंट्स एंड हुडीज पहनना पसंद है या तो फिर नॉर्मल शर्ट, प्रोफेशनल पैंट पहनना पसंद है? ऑलराइट, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।